नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे भारतीय संविधान की विशेषताओं में एक नए आयाम का, नए विमर्श पर आधारित विशेषता का जिक्र करूंगा। और वह विशेषता ये है कि जब आप भारतीय संविधान की विशेषताओं को पढ़ते हैं तो अक्सर भारतीय संविधान पर एक आरोप लगाया जाता है कि वह विदेशी स्रोतों पर आधारित होने के कारण देशी संविधान न होकर विदेशी संविधान है, और पश्चिमी जो देश रहे हैं उनके जो संविधान रहे उनसे ज़्यादा प्रभावित है भारतीय परंपराओं के, भारतीय जीवन पद्धति के, भारतीय समाज के ज़्यादा अनुकूल नहीं है। और इस आधार पर यह भी बात कही जाती है कि भारत का जो संविधान है वह इसी वजह से सफल नहीं हो पाया, सफल नहीं हो पाया, ये भी कई बार कही जाती है। हालांकि ये जो ऑब्जर्वेशन है, ये जो मूल्यांकन है, ये मूल्यांकन सही नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर भारतीय संविधान की विशेषता में ये देखेंगे कि क्या भारतीय संविधान विदेशी है, और अगर हाँ तो उसके आधार क्या हैं, और अगर नहीं तो अगर हम ये कहते हैं कि विदेशी नहीं है तो क्या है वह। तो एक नई विशेषता की बात, एक नए आयाम, नए परिप्रेक्ष्य से भारतीय संविधान को देखने का प्रयास हुआ है, जिसमें ये कहा जाता है कि भारतीय संविधान विदेशी कहने, भारतीय संविधान को विदेशी कहने के बजाय हमें भारतीय संविधान को सर्वदेशीय कहना चाहिए। सर्वदेशी जब हम कहते हैं तो इसमें तीन चार बातें हैं। एक, सर्वदेशी कहने का आशय क्या है, नंबर एक। दूसरा, सर्वदेशीय की अवधारणा को भारतीय संविधान के संदर्भ में किसने प्रतिपादित की थी, नंबर टू। नंबर थ्री इसमें यहाँ पर यह है कि सर्वदेशी कहने से क्या इम्प्लाइड होता है, क्या उससे आपादित होता है, और सर्वदेशी कहने से जो बहस है, जो विमर्श है भारतीय संविधान पर, वह कैसे किस रूप में बदलते हैं। आइए इन आयामों को समझते हैं, और इन आयामों को समझने के संदर्भ में हम ये देखेंगे कि भारतीय संविधान सर्वदेशीय है तो सर्वदेशीय कहने का क्या आशय है। सर्वदेशीय कहने का आशय एक तो ये है कि भारतीय संविधान किसी परंपरा विशेष पर आधारित नहीं है। अगर वह परंपरा विशेष पर आधारित होता तो हम उसे किसी देश विशेष, पश्चिमी समाज, इन सब से जोड़कर उसके ऊपर यह आरोप लगा सकते कि वह मूलतः पश्चिमी है, लेकिन वह परंपरा विशेष पर आधारित नहीं है। और इसके साथ ही उसमें वैश्विक मूल्यों और सिद्धांतों का समावेश है। दरअसल भारतीय संविधान के पीछे जो एक सिद्धांत, जो सिद्धांत निहित हैं, या हम ये कहें कि जो भारतीय संविधानवाद है, वह वैश्विक मूल्यों और सिद्धांतों पर आधारित है। जब हम लोग ये कहते हैं कि भारतीय संविधान सर्वदेशीय है तो उसके दो आशय होते हैं। एक आशय यह होता है कि यह स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के सार्वभौमिक सिद्धांतों के प्रति निष्ठा रखता है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सार्वभौमिक सिद्धांतों के प्रति निष्ठा रखने के कारण या उसको स्वीकार करने के कारण भारतीय संविधान सर्वदेशीय है। दूसरी बात यहाँ पर यह कि जितने भी ग्लोबल करेंट्स हैं, रही हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की, संविधान विधि की जितनी भी वैश्विक धाराएं रही हैं, प्रमुख वैश्विक धाराएं रही हैं, भारतीय संविधान उन पर आधारित होने के अर्थ में भी सर्वदेशीय है। तो जब हम कहते हैं कि भारतीय संविधान सर्वदेशीय है तो सर्वदेशीय कहे जाने के तीन परस्पर संबंधित आशय होते हैं। सबसे पहली बात यह
कि भारतीय संविधान किसी परंपरा विशेष पर आधारित नहीं है और यह वैश्विक मूल्यों और सिद्धांतों पर टिका है, इसलिए यह सर्वदेशीय है। इस बात को हम एकदम पर्टिकुलर वे में कह सकते हैं कि भारतीय संविधान स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सार्वभौमिक सिद्धांतों के प्रति निष्ठा रखने के कारण सर्वदेशीय है। और इसके अलावा एक बात हम और भी कह सकते हैं कि संविधान विधि की जितनी भी प्रमुख वैश्विक धाराएं होती हैं, उन धाराओं को भारतीय संविधान उनको शामिल करता है। दरअसल ये कहा जा सकता है कि चाहे वो इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन, इंग्लिश लॉ हो, इंग्लिश लॉ की परंपराएं हो, चाहे वो ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ पर अमेरिकन डिबेट्स हो, या फिर अपने व्याख्याओं के क्रम में संविधान के अनुच्छेदों पर रोशनी डालने के क्रम में भारत के न्यायालयों के द्वारा, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के द्वारा जो आधार लिए गए, वो दुनिया के किसी एक देश से नहीं लिए गए। यहाँ तक कि आपको इंग्लिश लॉ के आधार भी मिलेंगे, अमेरिकन भी मिलेंगे, इसके अलावा कई बार इजरायली, कई बार वास्तव में दुनिया के दूसरे देशों के कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को भी अब भारतीय संविधान की व्याख्या के संदर्भ में स्वीकार किया गया। दूसरा यहाँ पर कि भारतीय संविधान सर्वदेशीय है, ये किसने प्रतिपादित किया? तो दरअसल 2014 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से एक पुस्तक आई अलेक्जेंडर सोमिक की। उस पुस्तक का नाम था द कॉस्मोपॉलिटन कॉन्स्टिट्यूशन। उस पुस्तक में कॉस्मोपॉलिटन कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन किया गया और कॉस्मोपॉलिटन कॉन्स्टिट्यूशन के उस डिफिनीशन के आधार पर जो हमने आपसे यह कहा कि भारतीय संविधान सर्वदेशीय है, उसमें एक अर्थ बताया गया कि ऐसा कोई भी सिद्धांत जो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के सार्वभौमिक सिद्धांतों के प्रति निष्ठा रखता है, वह सार्वभौमिक संविधान है। तो प्रतिपादन में एक समकालीन विद्वान का नाम माना जाता है और वह है अलेक्जेंडर सोमिक। इसके अलावा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर हैंडबुक प्रकाशित हुई जो संपादित किताब थी। उसमें विभिन्न विद्वानों के लेख संकलित किए गए थे और उस किताब का संपादन तीन माने जाने विद्वानों ने किया था, सुजीत चौधरी, प्रताप भानु मेहता और माधव खोसला। इन लोगों ने जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर हैंडबुक प्रकाशित की, उस हैंडबुक के पहले वास्तव में चैप्टर में ही दरअसल भारतीय संविधान को सर्वदेशीय शीर्षक बताकर एक्सप्लेन करने का प्रयास किया गया। तो भारतीय संविधान को सर्वदेशीय किसने प्रतिपादित किया? तीन भारतीय विद्वानों का हम नाम ले सकते हैं कि सुजीत चौधरी, प्रताप भानु मेहता, माधव खोसला और एक विदेशी विद्वान है अलेक्जेंडर सोमिक। तीसरा इसका पहलू है कि इससे क्या आपादित होता है। दरअसल इससे आपादित होता है कि अगर आप भारतीय संविधान को सर्वदेशीय कहते हैं तो आप उस पर विदेशी होने का आरोप नहीं लगा सकते हैं। दरअसल भारतीय संविधान को विदेशी आरोपित कहकर उसकी असफलता की भविष्यवाणियां बहुत पहले से, संविधान लागू होने के समय से ही व्यक्त की गई थी। तो जो विदेशी का डिबेट था, विदेशी होने का जो आरोप था, उस आरोप को जब तक आप नकारेंगे नहीं तब तक आप भारतीय संविधान को सर्वदेशीय स्वीकार नहीं करेंगे। तो यहाँ पर एक ये चीज। इसके अलावा जब आप भारतीय संविधान को सर्वदेशीय मानेंगे तो सवाल ये भी उठेगा कि ये सर्वदेशीय कहने पर पुराने विमर्श को किस प्रकार बदलता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को लेकर जो ब्रिटिश संविधानविद आइवर जेनिंग्स की जो व्याख्याएं थी, जो डीडी वसु की जो व्याख्याएं थी और दूसरे जितने भी विद्वान थे उनकी जो व्याख्याएं थी, जिसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को वेस्टर्न चश्मे से देखा गया था, उस विमर्श को भी हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। दूसरी बात यहां पर ये कि
जो डिबेट्स हैं भारतीय संविधान को लेकर, वो उसे सर्वदेशीय कहने से कैसे बदल जाते हैं, आप इस बात को समझिए। देखिए, जो लोग भारतीय संविधान को विदेशी कहते हैं, वो कई बार जजमेंटल होकर ये भी कहते हैं कि चूंकि यह विदेशी है इसलिए सफल नहीं हो पाएगा। अब इसमें बहुत से शुरुआती जो संविधान सभा के जो सदस्य थे, वो उसमें से कुछ लोग भी शामिल थे, और बहुत बाद में भी अपने अभिमत को व्यक्त करने वाले लोग शामिल थे। जैसे संविधान सभा के एक सदस्य थे एल साहू, उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान लागू होने के बाद बिखर जाएगा। भारत की लोकसभा के पहले अध्यक्ष जीबी मावलंकर ने आशंका व्यक्त की थी कि भारतीय राजनीतिक चेतना का जो स्वरूप है, वह स्वरूप भारतीय संविधान को सफल नहीं होने देगा। और इसके साथ ही जीबी मावलंकर ने यह भी आशंका व्यक्त की थी कि संविधान का विदेशी स्वरूप उसे सफल नहीं होने देगा। एक संविधान सभा के एक और सदस्य से के हनुमथैया, उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर सितार और वीणा की धुन सुनने आए थे, लेकिन यहाँ तो अंग्रेजी बैंड बज रहा है। अंग्रेजी बैंड कहने का आशय है कि हम तो कुछ भारतीय समझकर यहाँ पर आए थे, लेकिन यहाँ पर जो संविधान बनाया गया वो इंग्लिश जो लॉ है उस पर ज़्यादा आधारित था। और स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरा होने पर एक बहुत जाने माने राजनीति विज्ञानी सुनील खिलनानी जी ने एक किताब लिखी, द आइडिया ऑफ इंडिया। उस किताब में उन्होंने कहा कि भारत का जो संविधान है वह भारत के लोगों के अभिमत पर और भारत की परंपराओं पर आधारित नहीं है। अब देखिए, शुरू के लोगों ने जो बातें कही वो बातें तो थी ही, लेकिन आज़ादी के 50 वर्ष पूरा होने पर किसी किताब में फिर ये बात दोहराई जाए तो इससे समझ में आता है कि भारतीय संविधान के विदेशी होने की जो धारणाएं थी वो कितनी बद्धमूल थी। और इसी तरह से जब आप डीडी बसु की किताब पढ़ेंगे तो वहां पर उन्होंने आइवर जेनिंग्स से प्रेरित और प्रभावित होते हुए उधार का संविधान कहा है कि भारत का संविधान उधार का संविधान है। फिर उन्होंने थोड़ी सी उसको भाषा को और नरम किया और कहा कि भारतीय संविधान एक पैबंद की तरह है, लेकिन यह पैबंद बहुत सुंदर तरीके से लगाया गया है। आइवर जेनिंग्स ने भी कुछ इसी तरह की भी बातें की, लेकिन आइवर जेनिंग्स की बातों में पहले के लोगों से थोड़ा अंतर था। ब्रिटिश संविधानविद आइवर जेनिंग्स ने कहा कि भारतीय जो संविधान है वह ब्रिटिश लॉ है उस लॉ पर आधारित होने के दृष्टि से तो ठीक है, लेकिन दूसरे देशों के संविधानों से जो सिद्धांत चयनित किए गए उस दृष्टि से वह ठीक नहीं है। तो भारतीय संविधान पर एक विमर्श का एक जो पक्ष है वह यह है कि भारतीय संविधान विदेशी है इसलिए सफल नहीं होगा। और उसमें से कुछ लोगों ने केवल ये, दरअसल विद्वानों का एक समूह है जो ये कहता है कि भारतीय संविधान विदेशी है, अंशतः पश्चिमी है, अंशतः विदेशी है और अंशतः भारतीय है। लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि भारतीय संविधान दरअसल विदेशी होने के कारण ही वह सफल नहीं हो पाएगा। लेकिन एक दूसरा दृष्टिकोण भी आया जिसमें ये कहा गया कि इस बात को स्वीकार क्यों नहीं कर लेते हैं कि भारतीय संविधान अंशतः भारतीय है और अंशतः पश्चिमी है, लेकिन अंशतः विदेशी होने के बावजूद यह सफल संविधान रहा। परसिवल स्पीयर ने भारतीय संविधान को सफल संविधान घोषित किया। ग्रैनविल ऑस्टिन ने यह मानते हुए भी कि पश्चिम से या दूसरे देशों से इसमें चीजें ली गई हैं, इसको सफल संविधान घोषित किया। और जब आप योगेंद्र यादव जी के द्वारा लिखी हुई भारतीय संविधान सिद्धांत और व्यवहार के एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो वहां पर भी आप एक कहीं ना कहीं एक धारणा दिखाई पड़ती है कि भारतीय संविधान जो है वह एक सफल संविधान है। तो एक दूसरा मत है, ये जो मत है वो मत ये कहता है कि विदेशी होने के बावजूद भी क्या हुआ, यह सफल हुआ। लेकिन अगर हम भारतीय संविधान को सर्वदेशीय कहते हैं तो इसका मतलब यह है कि भारतीय संविधान की सफलता की व्याख्या उसके विदेशी होने के बजाय हमें उसके सर्वदेशीय होने के आधार पर करनी होगी। तो जब हम भारतीय संविधान की सफलता की व्याख्या करते हैं तो उसकी सफलता दरअसल उसके द्वारा अपनाए गए सार्वभौमिक सिद्धांतों में निहित है।
इसलिए सुजीत चौधरी जी, प्रताप भान मेहता और माधव खोसला जैसे भारतीय संविधान के जो इतिहासकार हैं, उन इतिहासकारों की अगर हम बातों को समझें, तो उन इतिहासकारों की बातों को अगर हम यहाँ पर उनसे निष्कर्ष निकालें, तो हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भारतीय संविधान सर्वदेशीय है, इसलिए यह क्या हुआ, सफल हुआ। एक और यहाँ पर पहलू है, इस पहलू को भी जानना बहुत जरूरी है, और वह पहलू यहाँ पर यह है कि भारतीय संविधान के संदर्भ में, भारतीय जो संविधान है उस संविधान के संदर्भ में जो लोग विदेशी होने की बात करते हैं, वो विदेशी होने की बात किस आधार पर करते हैं, या विदेशी होने का जो आरोप था वह आरोप क्या है। दरअसल संविधान पर विदेशी होने का आरोप दो स्वरूप में सामने आता है। एक व्यवहारिक आरोप है कि यह भारत की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है। दूसरा आरोप यह है कि यह एक भानुमति का कुनबा है और इसमें जगह जगह की चीजें ली गई हैं। उधार का है, पैबंद है, लेकिन पैबंद बहुत सुंदर तरीके से लगाया गया है। आइवर जेनिंग्स और डीडी बसु की बातों को अगर हम मिला लें, तो जो सैद्धांतिक आरोप है, अगर उसको एक तकनीकी शब्दावली में, एक शास्त्रीय शब्दावली में कहें, तो ये डेरिवेटिव एक्लेटिसिज्म था, निगमनात्मक संचयवाद था, क्योंकि हमने अमेरिका से कुछ चीज़ें ले ली, हमने इंग्लैंड से कुछ चीज़ें ले ली, हमने कनाडा से ले ली, ऑस्ट्रेलिया से ले ली, इसके साथ ही हमने यहाँ पर आयरिश संविधान से, आयरलैंड से कुछ ले लिया। हमने इस तरह से क्या किया कि एक निगमनात्मक संचयवाद क्या है स्थापित किया। तो जो लोग ये कहते हैं कि भारतीय संविधान विदेशी है, उनके आरोप मुख्यतः दो रूपों में आते हैं, एक व्यवहारिक आरोप, दूसरा क्या है, सैद्धांतिक आरोप। लेकिन इस बात को पूरी तरह से सही नहीं माना जा सकता। उसका कारण क्या है कि अगर आज भारतीय संविधान का एक ऑब्जर्वेशन करें, एक सिंहावलोकन करें, तो हमें तीन ऐसी बातें मिलती हैं जो ये प्रतिस्पुष्ट करती हैं, प्रतिपादित करती हैं कि भारतीय संविधान में विदेशी चीजें ही नहीं हैं, बल्कि उसमें देशीय तत्व भी हैं। सबसे पहली बात ये है कि भारत में सभा और समितियां ये वैदिक युग से मिलती हैं, और भारत में संसदीय प्रणाली में लोकसभा और समितियों का जो प्रयोग किया जाता है वो इस दृष्टि से उसी परंपरा को आगे बढ़ाना है। दूसरी बात यह है कि मूल संविधान में भले ही न सही, लेकिन बाद में हमने अपने शासन प्रणाली में पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया, और पंचायती राज कोई विदेशी या पश्चिमी संस्थात्मक तत्व तो नहीं था, यह प्राचीन भारत से ही भारत में मौजूद रहा है। और तीसरी बात यह है कि हम भले ही ये पढ़ते रहे हों कि मूल कर्तव्य की धारणा हमने स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर रूस से ली है, लेकिन इसमें सच्चाई यह भी है कि धर्म जो है वह कर्तव्य के रूप में भारत में, भारतीय समाज में लिया जाता रहा है, और धर्म को शासन के साथ हमेशा क्या है, जोड़ा गया। तो मूल कर्तव्य या ड्यूटी की जो धारणा है वो पूरी तरह से पश्चिमी है, और सभी तरह से जो ड्यूटीज हैं वो हमने पश्चिम से प्रेरित होकर लिया है। ये दोनों बातें पूरी तरह से सही नहीं है। दरअसल हिंसा से बचें, स्त्रियों के प्रति ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो उनके मर्यादा के विरुद्ध हों, ये सब बातें भारतीय परंपरा में पहले से मौजूद रही है। तो संसदीय प्रणाली के संस्थात्मक तत्व, पंचायती राज जैसी संस्थाएं, और मूल कर्तव्यों में भारतीय दृष्टिकोण को समावेशित करने के तत्व, ये बताते हैं कि भारतीय संविधान को पूरी तरह से पश्चिमी तो नहीं कहा जा सकता। और चूंकि उसमें पश्चिम की भी चीजें हैं, पूरब की भी चीजें हैं, भारत की भी चीजें हैं, इसलिए उसे कोई देशी विदेशी के फ्रेमवर्क में देखने के बजाय हमें सर्वदेशीय के फ्रेमवर्क में देखना चाहिए। दरअसल यहीं पर अमर्त्य सेन जी का एक डिबेट है, उस डिबेट में ये, या एक बहुत बड़ा विमर्श है, वह विमर्श ये है कि क्या लोकतंत्र एक पश्चिमी विचार है, क्या लोकतंत्र दुनिया को अगर एक देन है तो क्या वह पश्चिम के द्वारा दिया गया है। और इस डिबेट में आप देखेंगे
कि ये भी कहीं ना कहीं शामिल है कि अगर हमने लोकतंत्र को पश्चिम का मान लिया तो भारतीय संविधान जो लोकतंत्र स्थापित करता है वो भी पूरी तरह से पश्चिमी हो जाएगा। इस डिबेट में आप देखेंगे कि एक पक्ष तो नीरज सिंह चौधरी जैसे विद्वानों का है जो ये कहते हैं कि लोकतंत्र पश्चिम की देन है और अंग्रेजों के आने के बाद भारत में बहुत सी ऐसी चीजें थी जो अंग्रेजों वजह से आई और उसमें भारत में उसकी कोई लेगेसी क्या है नहीं मिली। दूसरी तरफ आप पाएंगे कि अमर सिंह जैसे विद्वानों का ये कहना है कि लोकतंत्र को पश्चिम की देन नहीं माना जा सकता, आधुनिक संस्थान पश्चिम की देन है, लेकिन लोकतंत्र का जो विचार है वह लोकतंत्र का विचार पश्चिम की देन नहीं है। तो इस तरह से ये जो डिबेट है देशी का विदेशी का, तो उसमें इस डिबेट में इंस्टीट्यूशनल लेवल पर भी चीजें क्या है आती हैं और उस इंस्टीट्यूशनल लेवल पर जो बातें आती हैं उन बातों के संदर्भ में भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो मैंने कुल मिलाकर ये जो आपसे टॉपिक डिस्कस किया, इस टॉपिक में मैंने एक नए पहलू की चर्चा की और वह नया पहलू ये था कि भारतीय संविधान को विदेशी न कहकर सर्वदेशीय कहना चाहिए। सर्वदेशीय का क्या आशय है ये बताया गया, किसने इसे प्रतिपादित किया यह बताया गया, क्या आपादित होता है इससे यह भी बताया गया और यह पुराने विमर्श को किस प्रकार प्रभावित करता है यह भी क्या है इससे स्थापित होता है। धन्यवाद।